today I'm going to like interview some Chinese people, their opinion about India. Let's go! Let's go! तो फ्रेंड्स, चूंकि आपको पता है यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मोस्टली लोग चाइनीज में बातें करते हैं, तो मेरी फ्रेंड है मिंग जो कि यहाँ पे लोगों से पूछेगी क्वेश्चंस इंडिया के बारे में. सो मिंग, टेल मी व्हाट यू गोना डू टुडे. आई एम मिंग, आई एम सो ग्लैड टू सी यू गाइस टुडे. आई एम गोइंग टू लाइक इंटरव्यू सम चाइनीज पीपल, देयर ओपिनियन अबाउट इंडिया. लेट्स गो, लेट्स गो. सो हम लोग पूछने जा रहे हैं क्वेश्चंस इनके बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो में. तो दोस्तों, हमारे साथ ये सारे लोग आए हैं, तो हम लोग इनसे पूछने वाले हैं, तो आप देखिएगा. वो कहने के लिए तीन तो हाउ छे दे दे, वो जी दा गा ली, रहा हो वो में कान वो हन दो इन दो दे देन यी, यू ची बॉले वू नी से देन यी से कान वो दे, रहा हो कान जे दा दो शो इन दो रन मी इन गाई से तीन हाउ दे, दन शो वो बुझे दा वे शो यू से 是上层还是啥，好像很想挑起争端的样子。 对，所以我们的印象就还挺两极的。 本来没啥问题的话就挺好的。 对，就是这样。 Okay, a lot of food and a large country and a big population just like us. And a lot of delicious food, like curry something. Yeah. It's good, you know curry? Thank you so much. Yeah. 人口大国吧，嗯，就很多好吃的，对其他的没有什么了。嗯，宝莱坞很棒。我就觉得印度人就除了刚才大家说的那些，他们有很多人都比较能歌善舞，对，而且比较热情开朗，性格比较活泼，比较外向，对吧？然后还有就是觉得印度也有很悠久的历史，包括以前流传下来的很多。 故事、神话传说、建筑以及文化等等等等，这些感觉跟中国也很像。嗯，谢谢。Bye bye. Why you skateboard? 哈哈哈哈哈。तो friends, अभी आपने जाना ये लोग क्या सोचते हैं, तो हम लोग और लोगों से पूछने जा रहे हैं, तो ढूंढते हैं किससे बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो हम आ गए हैं और लोगों के पास से पूछेंगे उनका ओपिनियन क्या है इस बारे में. तो बने रहिए, ये लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे. Now I'm going to interview two girls, ask their opinions about India. Let's start. So, sorry. Like, 你们对印度的就是印象是怎么样的？觉得印度是一个很多元化的国家，然后那边的文化、美食，包括咖喱 cuisine 那些都是特别的美味，而且那边的人非常 friendly 和 nice。是一个旅游文化很丰富的国家，然后那边旅游景点挺多的，那边的人也挺友善的，然后都比较善良淳朴。मिंग ने हमारे लिए काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसका ट्रांसलेशन आपको सबटाइटल में मिल जाएगा. क्योंकि मैं चाइनीज़ नहीं जानती हूँ, तो बेसिकली मिंग ही सभी से क्वेश्चन पूछेगी और उसका क्या थॉट्स है वो सबके बारे में आपको बताएगी. तो वीडियो को फिर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते. तो हम लोग इनसे पूछेंगे इंडिया के बारे में, तो बने रहिएगा. मेरी फ्रेंड चाइनीज़ में इनसे क्वेश्चन पूछेगी, फिर हम आपको सबटाइटल में बताएंगे इन्होंने क्या बोला. To interview a guy, his opinion about India. So let's start. 就是对印度的印象是什么样的呢？哦，我可能对印度人印象比较深刻的应该是做 IT 行业这些人吧，因为本身我也从事 IT 的嘛。我对整个印度来说，他们的 IT 的整个的一个技术的发展还是感觉还是蛮先进的，还是蛮前卫的。印度的人呢，我接触的可能不是很多，我感觉也蛮友善的，还挺好的，还不错的。好，谢谢，谢谢。ये प्लेस काफ़ी एक्साइटिंग प्लेस है. इंटरव्यू करते करते आप देख सकते हैं ये रोबोट, इसमें काफ़ी लाइट्स है. मे बी वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा है.
में जानने वाले हैं ये लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया ये लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो हमें चाइनीज में इनसे पूछना पड़ेगा। तो मेरी फ्रेंड कंटिन्यू करेगी। हाय, आई एम गोइंग टू आस्क हिम द हिज ओपिनियन अबाउट इंडियन, सो लेट्स गो। 请问你对印度的印象和看法是什么样的？那油管上看过好多类似的问题了。就我的看法是什么？我的看法就是说，印度可能就是印度人比较自信吧，或者是印度人比较那个印度的，我也不知道说什么好，因为我攻击性太强了。我要说的话攻击性太强了，没事，他们会剪的，是吧？我对印度人的看法就是，印度的可能国家的卫生环境不是很好吧，然后就是印度人比较自信嘛，然后就是可能就是两个国家和中国之间可能有矛盾嘛，但是其实都是就可能是相互的理解不够吧，就这些，没有什么特别。谢谢。好。Thank you。आपने देखा यहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए इसी तरीके के कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में मैं और मेरी फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए सी यू देन, बाय।